आपने कभी इतिहास में पढ़ा या सुना था कि एक वजह से पूरा विश्व बंद हो गया, पूरा विश्व थम गया, लेकिन आपने स्वयं अनुभव किया है कि कोरोना में सारा विश्व सहम गया था। कोरोना वाज जस्ट रिमाइंडर। कोरोना के बाद एक वर्ड फेमस हुआ, इम्यूनिटी, जिसका डिक्शनरी में मतलब है प्रतिरक्षा, अप्रभाव्यता। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया कोरोना ने, और जिसकी इम्यूनिटी मजबूत थी या तो वो अप्रभावित रहा या फिर कम प्रभावित हुआ। ध्यान से कमर सीधी करके सुनना। जिसकी एनर्जी लगातार शाश्वत एवरल कमजोर रहती है, माइनस में रहती है, उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। आधुनिक युग में मेट्रोज में रहने वालों की इम्यूनिटी ज्यादा कमजोर होती है अपेक्षा उन लोगों के जो गांव में रहते हैं, और इसलिए गांव में कोरोना का कम प्रभाव रहा। शहर में भी मजदूर की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, उन पर भी प्रभाव कम रहा। कोरोना का प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा हुआ जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, और ये एक साथ नहीं होता, इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए लगातार आपको एनर्जी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहे, प्लस में रहे, अबंडेंस में रहे, बाय द वे इट्स नॉट इजी बट नॉट इम्पॉसिबल, एंड लेट मी टेल यू, कोरोना वाज जस्ट अ रिमाइंडर। इन कमिंग फ्यूचर देयर वुड बी मेनी रोना, सोलो रोना और मिक्स रोना। अगर आप चाहते हैं कि 100 साल की उम्र तक आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी प्लस में रहे, अबंडेंस में रहे, या दूसरे शब्दों में कहें कि आप 100 साल तक आप जवान और हरे भरे रहें, तो कोई भी कड़ी मिस मत करना। थकान तो शुरुआत है, अगर जान है तो जहान है।